कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड, दिवाली की छपाई शुरू हो चुकी है सभी के घर में, और सभी लेडीज़ जो है ना, इस समय अपने अपने घर की सफाइयों में व्यस्त हो चुकी हैं। मैं भी हो चुकी हूँ। मैंने ये वाली रैक तो उस दिन साफ़ कर दी थी, अब मुझे अलमारी और बेड साफ़ करना है। तो देखती हूँ कैसे होता है, क्योंकि है ना, मैं सोच रही हूँ आज ये दोनों चीज़ें हो जाएं तो अच्छा है, क्योंकि कल है अहोई अष्टमी, तो कल रहेगा व्रत। और फिर जो है ना, व्रत वाले दिन कोई भी काम फैलाना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं, चलो आज मैं ये दोनों कर लेती हूँ, तो देखती हूँ कैसे टाइम मिलता है। अगर अलमारी अच्छे जल्दी साफ़ हो गई तो फिर मैं बेड को भी खाली कर लूँगी। बेड में टाइम लगेगा, क्योंकि बेड के जो कपड़े हैं वो जाने हैं छत पर, थोड़ी देर उनको धूप दिखानी है, उसके बाद तय बनाकर वापस से झाड़कर अच्छे से इनको लगाना है। तो देखती हूँ। और फिर बच्चों के कुछ गर्म कपड़े भी निकालने हैं, मतलब फुल स्लिप के, क्योंकि हल्की हल्की सी ना ठंड हो चुकी है सुबह शाम की, और 2 4 दिन में अब और ज़्यादा थोड़ी हो ही जाएगी। तो मैंने कहा चलो बच्चों के भी थोड़े से जो कपड़े हैं वो भी निकालने हैं। तो फिर देखती हूँ कैसे कैसे होना है। तो फिर जो है ना, पहले करूँगी मैं अलमारी को साफ़, क्योंकि बच्चों की आज फरमाइश भी है। आज है संडे, बच्चे कह रहे हैं मम्मा कढ़ी चावल बनाना है। तो कढ़ी चावल, कढ़ी में टाइम लगता है, चावल तो यही बन जाते, कढ़ी में टाइम लगता है। तो कढ़ी को ना बीच बीच में चेक भी करना होता है, चलाना भी होता है, तो उसको भी, उस पर भी ध्यान रहेगा मेरा पूरा। तो देखती हूँ अलमारी अगर फटाफट से साफ़ हो जाएगी तो बेड को खाली कर लूँगी, और अगर नहीं हो पाएगा तो फिर अलमारी ही आज साफ़ होगी। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर मिष्टी जो है ना, पहले से ही कपड़े निकाल कर बैठी हुई है, और आप अलमारी की हालत देख सकते हैं कितनी गंदी हो रखी है। पता है अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसको संभाला है और आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी, लेकिन बच्चे जो है ना वो इसे एक हफ्ते में ही इधर से उधर कर देते हैं। मेरे बच्चों ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। तो बस चलिए फटाफट से कर लेते हैं, फिर इसमें से ना मुझे कपड़े भी निकाल कर जो है रखने हैं, जो कपड़े अब नहीं पहन पाएंगे बच्चे, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हैं और जो है कट स्लिप्स हैं वो सारे मैं रख दूंगी, और जो फुल स्लिप्स हैं वो निकाल लूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से तय बना ली है, और ये सारे जो कपड़े इधर मैंने बांध कर रखे हैं, ये कपड़े बच्चों के छोटे हो चुके हैं, तो मैं, चलो मैं ये जो है कुष्ठ आश्रम पहुँचा दूंगी, क्योंकि बच्चे ज़रूरतमंद हैं वहाँ पर, वो पहन लेंगे, उनको भी जो है काम आ जाएंगे। वरना यही है कि मेरे बच्चे जो हैं उनके छोटे हो चुके हैं ये कपड़े, तो कोई बच्चे पहन ले तो अच्छी बात है। और कपड़े ना सारे मतलब ठीक हैं, कोई भी फटा या कैसा भी कपड़ा नहीं है, बस इतना है कि छोटे हो चुके हैं, पहनने लायक कपड़े हैं। मैं ऐसे कपड़े नहीं देती जो पहनने लायक ना हो, पहनने लायक होते हैं वही कपड़े मैं वहाँ पर पहुँचाती हूँ ताकि वो बच्चे पहन लें। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से रैक सारी खाली कर ली है अलमारी की, और मैं अच्छे से कपड़े से चारों तरफ से इसको पोंछ रही हूँ। तो एक बार ना पहले मैंने गीले कपड़े से इसको पोंछा, फिर उसके बाद मैं सूखे कपड़े से इस तरीके से पोंछ रही हूँ, और अच्छे से कोना कोना मैं साफ कर रही हूँ, ताकि ये जो है ना धूल मिट्टी जो भी हो वो अच्छे से साफ हो जाए। उसके बाद मैं इसमें दूसरे पेपर्स बिछा कर और कपड़े लगा दूंगी। तो यहाँ पर साथ ही साथ मुझे किचन का भी थोड़ा बहुत काम देखना पड़ता है। तो यहाँ मैंने नाश्ते में जो है ना दलिया बनाने के लिए रख दिया है, नमकीन दलिया जो दाल के साथ बनता है वो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, और एक तरफ मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है, क्योंकि अभी के डैडी को ना चाय पीनी थी, तो वो बोले चाय बना लो। अभी के डैडी जो है ना चाय मतलब सुबह के टाइम में 2 से 3 बार पीते हैं, तो इसलिए उन्होंने एक बार पी ली, लेकिन मैं दोबारा से उनको बनाकर दे रही थी। तो बस चाय दे दूंगी, फिर वापस से मैं चली जाऊंगी अपना काम करने के लिए। तो यहाँ पर एक रैक मैंने लगा दी है, और ये दूसरी रैक भी मैं लगा रही हूँ। देखिए ये जो है ना कुशन कवर मैंने मंगाए थे मीशो से, तो ये रखे हुए हैं, अभी मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया है। ये मैंने जो है बर्थडे का पूरा सेट जो आता है वो मंगाया है, और भी एक आध चीज़ मंगाई थी मैंने। तो मैं, चलो मैं सारी चीज़ें साथ में ही दिखाऊंगी। यहाँ पर ये वाली रैक भी जो है साफ़ कर लेती हूँ। इस तरीके से ना मैं अलमारी में ये कपूर की गोलियाँ डालकर रखती हूँ, जिससे जो है ना कपड़ों में एक अच्छी सी महक भी आती रहती है, और कोई भी ना कीड़ा वगैरह जो हो जाते हैं कपड़ों में वो लगने का डर नहीं रहता।
तो यहाँ पर वैसे तो मुझे ये है कि मैं ज़्यादा ज़्यादा समय नहीं लगाती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी साफ़ करती हूँ, तो कीड़ा वीड़ा तो वैसे भी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मैं इसमें कपूर की जो गोलियाँ होती हैं वो डाल कर रखती हूँ। तो चलिए मैं सारी अलमारी को इसी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पर ये कपूर की गोलियाँ हैं, ये भी मुझे डालनी है, तो ये मैं सारी ही डाल दूँगी। तो देखिए सारी ही अलमारी को मैंने अच्छे से साफ़ कर कर इस तरीके से कपड़े लगा दिए हैं अच्छे तरीके से, और सभी के कपड़े ना अलग अलग हैं इसलिए ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पर जो है ना मैं ये भी साफ़ कर दूँगी, तो छोटे छोटे जो लॉकर हैं इनको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो और इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये इस तरीके से मैंने अपनी आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है, बैंगल्स है, ये सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं, क्योंकि मिष्टी से मुझे बचाकर ये सभी चीज़ें रखनी होती हैं। मिष्टी बहुत जल्दी से मेरी सारी चीज़ों को इधर से उधर कर देती है, फिर मैं ढूंढती रहती हूँ। तो इस तरीके से ना मुझे ये टाइम पर मिल जाती हैं, इसलिए मैं इस तरीके से ही रख देती हूँ। तो यहाँ पर ये ऊपर वाली रैक भी मैंने खाली कर ली है, बाकी की पूरी अलमारी साफ़ हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रही थी, ये है मेरी शादी वाली चुन्नी जो मैं करवा चौथ पर ओढ़ना भूल गई थी, तो मुझे बाद में याद आया, तो बाद में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, लेकिन जब ध्यान ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी। एक तो मैं लेट हो गई थी थोड़ा सा, तो अभी के डैडी भी जल्दी कर रहे थे कि जल्दी करो, चांद बहुत देर का निकल आया, तो बस ये चुन्नी मैं डालना भूल गई थी उस वक्त। और ये जो कुछ कपड़े हैं जो देने लेने में काम आते हैं, तो ये मैं ऊपर की तरफ ही रखती हूँ, कभी कोई आ जाता है या कभी किसी के फंक्शन में देने होते हैं तो फिर ये ढूंढने में दिक्कत नहीं होती, तो मैं इनको एक जगह ही रखती हूँ। यहाँ पर मैं आपको अपनी शादी की कैसेट दिखा रही थी, तो ये भी ऊपर की तरफ ही मैंने रखी हुई थी, तो मिष्टी मुझसे देख रही थी लेकर के, मतलब मम्मा दिखाओ फ़ोटो। तो ये मेरे और इनके फ़ोटो है, ये कुछ हमारी शादी की ना कैसेट रखी हुई थी, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। तो बस इस तरीके से सफाई करते करते ना कुछ पुरानी चीज़ें दिख जाती हैं, तो यादें जो है वो ताज़ा हो जाती है। तो बस यही जो है साफ़ सफाई करने में, कुछ चीज़ों को देखने में भी थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है। और यहाँ पर ये अभी के जन्मदिन की भी कैसेट थी, तो मिष्टी कह रही थी मम्मा ये भी दिखाओ ना, ये क्यों नहीं दिखा रही हो, तो मैं वापस से निकाल कर आपको दिखाने लगी। तो बस ये साफ़ सफाई जल्दी से फटाफट हम कर लेते हैं। तो देखिए अच्छे से मैंने अलमारी को साफ कर कर सेट कर दिया है, और यहाँ पर ये मेरी करवा चौथ की जो चलनी और थाली थी ना, ये भी मैंने यहाँ पर रख दी है सेट अच्छे से, क्योंकि ये बाहर पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं अच्छे से रख देती हूँ, और इसे मैंने अलमारी में ही एक तरफ रख दिया है। और देखिए कपड़े अच्छे से मैंने लगा दिए हैं, और उस वक्त अलमारी कैसी हो रही थी और अब कैसी हो रही है आप देख सकते हैं, और ये कुछ दिन बाद ही वैसे ही हो जाएगी। तो बस यहाँ पर ये सही साफ़ हो चुकी है, मैं अब इसको बंद कर देती हूँ, बाकी के काम कर लेती हूँ। तो साथ ही साथ ना मुझे खाना भी बनाकर तैयार करना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन पहले मैं बच्चों को दे देती हूँ नाश्ता बनाकर। बच्चे जो है ना आज उन्हें खाना है अंडा ब्रेड, तो वो कह रहे हैं मम्मा आज हमें नाश्ते में अंडा ब्रेड बना कर दो। इधर अभी के डैडी जो है ना इन्वर्टर की बैटरी में पानी डाल रहे थे, तो मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पर दही जो है मैंने घर पर ही जमाया था, और मैं ये अंडा ब्रेड भी लेकर आ गए थे, तो मैं चलो मैं इनको पहले अंडा ब्रेड बनाकर दे देती हूँ, और एक तरफ जो है ना कढ़ी बनने के लिए भी रख दूँगी, क्योंकि खाने का भी टाइम ही हो रहा है। तो बस बच्चों की फरमाइश भी पूरी करनी है संडे के दिन में, क्योंकि वैसे तो बेचारे चले ही जाते हैं 8 बजे करीब निकल जाते हैं, फिर वही घुसते हैं, फिर आकर भी ठीक से खाना वाना नहीं खाते हैं, लेकिन संडे के दिन ये रहता है कि मतलब खा लेते हैं अपने खाना वाना सब कुछ ठीक से। यहाँ पर जो है ना मैं ये बेसन वगैरह छान लूँगी, ये कढ़ी भी बनाने के लिए रख दूँगी एक तरफ, और एक तरफ जो है मैं इनको नाश्ता बना कर दे दूँगी, क्योंकि कढ़ी बनने में ना टाइम लगता है, तो कढ़ी को मैं बनाने के लिए रख दूँगी, इसे भी देखती रहूँगी। और टाइम भी काफ़ी हो रहा है, 11:30 का टाइम हो रहा है। चाय बनने के लिए रख दी है, और एक तरफ मैंने कढ़ी बनने के लिए रख दी है, कढ़ी को बनने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने नाश्ते के साथ ही साथ कढ़ी को भी बनाने के लिए रख दिया है, और टाइम भी हो चुका है फिर
तो बस कढ़ी भी बना लूँगी मैं, इधर बच्चों को नाश्ता भी बना कर दे दूँगी। तो बस ऐसे ही होता है, सफाई जब घर में फैलती है ना तो फिर काम ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है, खाना और नाश्ता सब कुछ ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है, बच्चों की सभी फरमाइशें भी पूरी करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो है ना ब्रेड वगैरह सेक दूँगी मैं और फिर ऑमलेट बना दूँगी, तो बस इनको भी मैं नाश्ता दे दूँगी तो ये कर लेंगे। तो ब्रेड सेक दिए हैं और ऑमलेट बना दिया है तो इन लोगों को नाश्ता दे दूँगी। वैसे तो दलिया बनाया था मैंने नाश्ते में, मैंने चलो ये खा लेंगे, लेकिन बच्चों का जो है ना, बच्चे जो मन करता है वही बनवा कर रहते हैं, तो बस ये जिद करने लगे, मैंने चलो कोई नहीं ये बना देती हूँ। और अभी ये टैडी वगैरह ये सब लोग खा लेंगे दलिया, तो बस ये बनाकर मैं बच्चों को दे दूँगी। तो यहाँ पर ये इनका नाश्ता हो चुका है तैयार, मैं इनको दे देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर नाश्ता मैंने बच्चों को दे दिया है और कढ़ी भी हमारी बहुत अच्छे से पक रही है। कढ़ी को ना ऐसे ही लो फ्लेम पर जब हम पकाते हैं ना तो कढ़ी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। तड़के का सामान भी मैंने तैयार कर दिया है, यहाँ मेथी दाना लिया है, लहसुन लिया है, लाल मिर्च ली है साबुत वाली, और प्याज को कट कर लिया है, और जीरा और हींग, बस यही तड़का लगाती हूँ मैं और बहुत टेस्टी लगती है कढ़ी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने तैयार कर कर रख दी हैं और एक तरफ ना मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं। तो बस चावल और कढ़ी बनकर तैयार हो जाएंगे और फिर मैं जो है रोटियाँ बना लूँगी। तो रोटी ना, कुछ लोग रोटी खाते हैं तो उन लोगों को भी रोटी बनाकर देनी है। और जो है 12:30 बज चुके हैं, आपको मैंने टाइम भी दिखाया कि देखिए 12:30 बज चुके हैं। यहाँ पर जो है ना पकौड़ियाँ तल लूँगी मैं, तो पकौड़ी जो है तलने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ी बनकर तैयार हो गई है, चावल बनकर तैयार हो गए हैं और बस मैं पकौड़ियाँ तल लेती हूँ। तो यहाँ पर ये जो मैंने पकौड़ी का घोल बनाकर तैयार किया है वो मैं ले लिया है मैंने, और अब मैं पकौड़ियाँ तल लूँगी। तो देखिए पकौड़ियाँ मैंने तल ली हैं और यहाँ पर ना मैं इसी ऑयल में तड़का लगा दूँगी। तो ऑयल बहुत ज़्यादा था तो मैंने निकाल दिया है, तड़के के लिए ही रहने दिया है। तो मैंने यहाँ पर मेथी दाना डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, हींग डाल दी है, लहसुन डाल दिया है और प्याज डाल दी है, और ये जो साबुत लाल मिर्च थी इनको इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ कर डाल दिया है। तो बस तड़का लगा दूँगी मैं अब। तो देखिए कढ़ी तैयार हो चुकी है और चावल भी तैयार हो चुके हैं, मैं रोटी भी बना लेती हूँ। तो देखिए रोटी भी मैंने बनाकर तैयार कर ली है, अब मैं सभी को खाना दे दूँगी। फ्रेंड मैं नहा कर आ चुकी हूँ और जो है बस बेडशीट बिछाने के लिए रह गई हैं दोनों, बाकी काम सब कुछ ख़त्म हो गया है, खाना भी बना लिया है और जो है खाना है बस खाया नहीं है अभी, क्योंकि बच्चे वगैरह है नहीं, बच्चे गए हुए हैं शॉपिंग करने के लिए अपने डैडी के साथ, तो इसलिए जो है खाना भी नहीं खाया है, खाना थोड़ा देर से ही खाऊंगी। और बस नहाकर आ गई हूँ, तो थक गई थी मैं, बहुत काम हो गया आज। पता है क्या हुआ, एक तो ये अलमारी संभाली थी, अलमारी संभाली है और जो है अलमारी संभाल दी है। खाना खाने में आज बच्चों ने फरमाइश की थी कि सुबह में हमें ब्रेकफास्ट में चाहिए ब्रेड अंडा, तो वो बना कर दिया, और उसके बाद कढ़ी चावल, तो कढ़ी चावल बनाए। मतलब बच्चों की फरमाइश पूरी करनी होती है, तो फिर मैं चलो कोई नहीं, संडे है, संडे में बच्चों की फरमाइश पूरी करनी चाहिए, तो बस इसलिए फटाफट से मैंने ये सारा काम किया। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया आज मुझे नहाने के लिए, तो पूजा भी नहीं की क्योंकि 12 बजे के बाद पूजा नहीं होती है, तो फिर मैंने आज पूजा नहीं की है, शाम को करूँगी अब।
वैसे तो दीपक जल गया क्योंकि अभी के डैडी भी पूजा करते हैं, अभी भी करता है, तो दोनों ने जो है पूजा कर ली। मैंने नहीं की है क्योंकि मुझे टाइम हो गया था नहाने के लिए, तो बस अभी नहा कर आई हूँ। नहा कर अभी कुछ खाया नहीं है, लेकिन बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया है, ना नाश्ता किया ना कुछ भी। मैं चलो बच्चे आ जाएंगे, बच्चों के साथ ही अब खाना खाऊंगी, नाश्ता तो नहीं करूंगी क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, 1 बजने वाला है, 1 अभी बजा नहीं है पूरा।